बालों की क्वालिटी तो कमाल की है, बस स्प्लिटेंस नहीं जा रहे। ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है, बस स्प्लिटेंस नहीं जा रहे। रेमेडीज तो सारी की सारी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, बस स्प्लिटेंस नहीं जा रहे। इन स्प्लिटेंस ने दिमाग का जो दही किया हुआ है ना, आई के नॉट टेल यू। हर वीडियो पे आप लोगों की रिक्वेस्ट है, तो मैंने सोचा आज इन स्प्लिटेंस का दी एंड कर दिया जाए। आर यू इन? लेट्स डू इट। स्प्लिटेंस का आपके बालों में होना इस बात का इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ लोचा आपके बालों में चल रहा है, और इसी लोचे को सुलझाने के लिए आज प्रीति प्रेरणा आप लोगों के समक्ष मौजूद है टू टेल यू अबाउट स्प्लिटेंस एंड इसकी एक ऐसी रेमेडी जिसकी वजह से आपके बालों में ना केवल स्प्लिटेंस जाएंगे अपितु फिर वापस कभी नहीं आएंगे। प्रॉमिस। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। लेट्स गो। प्रीति प्रेरणा के परिवार के हर सदस्य को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत 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 अलर्ट हैं। आप सभी के खूबसूरत मैसेजेस के लिए मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल द पॉजिटिविटी दैट यू गिव मी। जी हाँ, आपकी प्रीति प्रेरणा वही पॉजिटिविटी आपको रेडिएट करती है जो आप मुझे देते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पर बात कर रही हूँ, एंड दैट इज योर स्प्लिटेंस। नॉर्मल हिंदी अनुवाद किया जाए तो स्प्लिट मतलब अलग होना और एंड्स मतलब अंतिम छोर, यानी कि आपके बालों के अंतिम जो ये आखिरी सेंटीमीटर्स होते हैं, इनका जब इनमें जब स्प्लिट आ जाता है, जब ये खुल जाते हैं, इनको हम कहते हैं स्प्लिटेंस। तो अच्छी बात तो है, एक के दो हो गए बाल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी नहीं, स्प्लिटेंस का आपके बालों में होना इस बात का इंडिकेशन है कि आपके बालों में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गड़बड़ हो चुकी है जिसको आपकी अटेंशन की आवश्यकता है। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये परेशानी बढ़ती रहेगी और अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आपको अपने बालों को कंप्लीटली ट्रिम करना पड़ेगा एंड यू वुड हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस परेशानी को डिटेल में डिस्कस कर रही हूं। अगर आपको परेशानी समझ में आ गई, आई अश्योर यू कि आपको दोबारा कभी स्प्लिटेंस नहीं होंगे, प्रोवाइडेड आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और जो रेमेडियल एक्शंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूं उनको प्रैक्टिकली करिए, सुनकर नहीं होगा, है ना। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया था कि स्प्लिटेंस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे इनको क्योर कर सकते हैं। मैंने ट्रिमिंग करके दिखाई थी और एक छोटा सा पैक आपके साथ डिस्कस किया था जो कि आपको स्प्लिटेंस में काफी ज्यादा मदद करेगा। हम आपको रेमेडी बता देते हैं, आप कर लेते हैं, फिर दोबारा वो चीज हो जाती है, ऐसा चलता रहता है, एक साइकिल हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक बार पता चल जाए कि भैया इस वजह से ये परेशानी होती है, तो वो वजह आप दोबारा कभी होने नहीं देंगे, राइट। तो स्प्लिटेंस के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि आपके बालों का जो एक सिरा है, एक स्ट्रैंड है, ये एक्चुअल में कैसा दिखता है। आपके बालों के सिरे के तीन लेयर होते हैं, जिनमें से कि जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी भाग है जो हमें दिखता है, वो तो सिर्फ एक इंसुलेशन है। जैसे कि ये एक वायर है, ये तार है, जिसमें ये तो सिर्फ बाहर की कवरिंग है ना। असली काम तो अंदर की वायर कर रही है, यस नो। अगर ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये उतर जाए, ये खराब हो जाए, तो क्या होगा, जो नेकेड वायर है उसका करंट इधर उधर सब जगह जाएगा, है कि नहीं। तो सेम आपके बालों के साथ होता है, क्योंकि आप बाहरी सतह को खराब कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगी आप किन किन तरीकों से खराब करते हैं। तो जब बाहरी सतह खराब होती है तो अंदर जो बालों के प्राण हैं, जो जिसमें एक्चुअल करंट चल रहा है, वो एक्सपोज हो जाता है एंड इसीलिए आपके बाल जो एक्चुअल स्ट्रैंड है उसके बाहर अलग अलग दिशाओं में आने लगते हैं। बहुत सारे तरह के स्प्लिटेंस होते हैं, लेकिन कारण सबका एक है कि आपके बालों का इंसुलेशन खराब हो गया। आपके बालों का ये जो बाहरी सतह है ये जल गई, केमिकली अफेक्ट हो गई, अल्टीमेटली ये उतर गई। तो जब तार की ऊपरी सतह हट जाएगी तो ग्रोथ हर जगह हो जाएगी। डिड यू गेट दैट? अगर ये आपको समझ में आया है तो बिलीव मी यू हैव अंडरस्टूड कि क्योर क्या होगा। अब आप बताइए, अगर तार नेकेड हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसको फिर से इंसुलेट करेंगे, लेकिन ऐसा प्रोटीन तो हमारे पास है ही नहीं, हम अपने बालों को वापस से कैसे करें। आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो एग्जैक्टली यही काम करेगा
लेकिन यू हैव टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या हमें बाल कटवाने की आवश्यकता पड़ेगी? आई वुड से अगर आप एक बार अपने बालों को ट्रिम कर लें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे अगर आप रेमेडीज भी साथ साथ फॉलो करेंगे तो। लेकिन अगर आप बालों को ट्रिम नहीं करना चाहते हैं, आई वुड से मैं जो आगे आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, आप उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आई एम 100% श्योर कि बहुत हद तक रिपेयर हो जाएंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ अबाउट द रीजंस जिन वजह से आपका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो डैमेज हो जाता है। सबसे पहला रीजन है केमिकल एप्लीकेशन। अब केमिकल एप्लीकेशन में आता है आपका रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, ये वो सो, जो भी आप केमिकल का एप्लीकेशन अपने बालों में करते हैं, दैट्स वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ योर हेयर, विच इज वंडरफुल इनिशियली, लेकिन आप उसको खराब कर देते हैं लेटर ऑन। केमिकल ट्रीटमेंट में ही आता है आपका शैम्पूज। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं दैट आई एम अगेंस्ट द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट्स के खिलाफ बातें करती हूँ एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ऐसा कदापि नहीं है। आप जाकर मेरा शैम्पू वाला वीडियो चेकआउट कीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट आई यूज इट माई सेल्फ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि एक शैम्पू को ज्यादा समय तक इस्तेमाल मत कीजिए। इट्स अ मिथ कि शैम्पू जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सर्फ एक्सेल की जगह एरियल यूज कर लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या कपड़ों को? नहीं पड़ेगा। तो शैम्पूज आर ओनली हेयर क्लेंजर, सिर्फ आपके बालों को क्लीन करते हैं। हाँ, थोड़े से पैराबेंस फ्री एंड ये सब चीजें आप चेकआउट कीजिए, बट प्लीज शैम्पू को हेयर क्लेंजर की तरह ट्रीट कीजिए एंड यस, इट्स अ केमिकल। नंबर टू, हीट एप्लीकेशन। देखिए, आप जितने भी हीट अप्लायंसेस नहीं, मतलब हीट मशीन जितनी भी आप अपने बालों में लगाते हैं, वो आपके बालों को जला देती है। ये मैंने साक्षात अपने सामने होते हुए देखा है। वैसे बहुत सारे, यू नो, यूनिवर्स हैज एक्चुअली प्लान्ड मी टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। मैंने ऐसे इंसिडेंसेस अपने सामने देखे हैं। वन ऑफ माय कजिन्स, हम एक शादी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे एंड शी वेंट फॉर ऑल दैट, यू नो, दिस थिंग स्ट्रेटनिंग एंड ऑल, एंड द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द मैरिज शी वॉश्ड हर हेयर एंड उसके बाल मतलब झाड़ू से भी बदतर, मतलब झाड़ू भी सॉफ्ट फील होता है शायद, इतने गंदे उसके बाल हो गए। एंड जब वो रिकवर कर रहे थे तो सारे बालों में स्प्लिटेंस आ गए थे एंड अल्टीमेटली शी हैड टू गो फॉर अ बॉयकट। जी हाँ, इट हैपेंड। सो मैं सिर्फ डरा नहीं रही हूँ, इतना बोल रही हूँ कि ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसका बहुत सिवियर हो गया, आप लोगों का ग्रेजुअली होगा, बस यही फर्क है। आप धीरे धीरे कर रहे हैं, उसने एकदम से बहुत सारा झुलसा दिया बालों को। तो कहने का मतलब है, आर्टिफिशियल हीट जितनी भी आप बालों को देते हो, इट अल्टीमेटली हैम्पर्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन, आई एम सॉरी, बाल, राइट। नंबर थ्री इज वेरी सरप्राइजिंग, आप सबके घर पर मौजूद है प्लास्टिक की कंघी। जी हाँ, क्लास सिक्स में फन विद मैग्नेट्स चैप्टर में हमारी टीचर ने हमें वो कोम रगड़ के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था प्लास्टिक कोम के साथ। तो प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से बालों में थोड़ा सा खिंचाव, यू नो, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन सा, यू नो, कन्फ्यूजन हो जाता है, जिस वजह से बहुत परेशानी होगी अगर आप अपने बालों को कस के, यू नो, सुलझाते हैं तो। मैं भी प्लास्टिक कोम का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आई एम वेरी जेंटल विद माय हेयर। मैं बहुत ब्रॉड कॉम से पहले करती हूँ अपने बालों को, यू नो, सुलझाती हूँ और फिर मैं इस पर आती हूँ, तो इट्स लाइक वेरी जेंटल फॉर दी हेयर। हाउएवर, आई वुड से कि अगर वुडन कोम पे आप शिफ्ट कर सकें तो इट्स वेरी 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 अमेजिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइट प्रोड्यूस नहीं होगा, आपके बालों को आप खींचेंगे नहीं एंड अल्टीमेटली खींचने से आपके बाल खराब ही होते हैं। मैं आपको अपना एक स्ट्रैंड, मैंने पहले भी करके दिखाया है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, राइट, ये एक सिंगल स्ट्रेट स्ट्रैंड है। अब मैं इसको अगर, यू नो, नाखून से ऐसे करूं, ये देखिए क्या हो गया इसके साथ। अगर यहाँ ठीक से नहीं दिखा तो मैं आपको साइड में भी करके दिखा दूंगी और बाल स्वाहा। एनीवेज, तो ये क्या होता है कि आप जब खींचते हैं ना अपने बालों को ऐसे ऐसे करके, तो उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, वो बहुत इलास्टिक होता है, बहुत इलास्टिक होता है। आपको पता है आपके बाल स्टील की तरह मजबूत होते हैं, फैक्ट है, पढ़ लो, मैं खुद थोड़ी बना के बोल रही हूँ, स्टील की तरह मजबूत होते हैं, उसकी तरह फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, अगर आपको अपने बालों की हेल्थ का पता करना है ना, एक स्ट्रेट स्ट्रैंड लो, इसको स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करके वापस अपनी जगह पर अगर आता है, यू नो, रबर की तरह फील होगा, तो आपके बाल हेल्दी हैं। और अगर ऐसे करते ही हाथ में आ गए तो आई एम सॉरी, इसीलिए एक ही बाल के साथ करना, ज्यादा बालों के साथ एक्सपेरिमेंट मत। जस्ट ऑफ ऑल कि प्लास्टिक कोम का इस्तेमाल अगर करें तो बी वेरी वेरी जेंटल, अदरवाइज यूज अ वुडन कोम। नंबर फोर, नॉट ट्रिमिंग योर हेयर रेगुलरली। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ग्रोथ तो होती ही रहती है स्प्लिटेंस के साथ भी। बिल्कुल होती रहती है, स्प्लिटेंस के साथ भी ग्रोथ होती है, लेकिन अब आप खुद समझिए जरा
कि अगर आपकी जो बाल हैं, आई एम सॉरी, वो यहाँ से डैमेज हो गए हैं, यू नो बीच से ये वायर छिल गई है, तो अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे तो क्या होगा, आप खुद बताइए। वो जो छिला हुआ वायर है वो ऊपर की तरफ और डैमेज होता रहेगा, एंड इसीलिए ट्रिमिंग बहुत ही आवश्यक है। अब आप पेड़ को ट्रिम नहीं करते हैं क्या ताकि वो अच्छे से बढ़े, यू नो हेल्दी वे में बढ़े? बस एग्जैक्टली जैसे बालों को ट्रिम करना है, पेड़ों को ट्रिम करना है, वैसे ही बालों को भी ट्रिम करना है। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई हैव नेवर हैड स्प्रिटेंस एवर। कभी कभी जब बेवकूफ़ी कर देते हैं या कोई ऐसा शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आई हैव फेस्ड इट, बट मुझे रीज़न पता था कि इस वजह से हुआ है एंड आई इमीडिएटली अमेंडेड इट, तो यू नो इट वॉज सॉर्टेड। तो इसी वजह से आपको भी जब आप यू नो अलर्ट रहेंगे अपने बालों के लिए, आपको रीजन पता चल जाएगा, अच्छा इस वजह से। सो इसीलिए रेगुलर ट्रिमिंग करना आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी है। नंबर 5, हार्ड वाटर। अगर आपके एरिया में खारा पानी आता है तो खारा पानी आपके बालों का जो आउटर मोस्ट यू नो इंसुलेशन होता है उसको धीरे धीरे डिप्लीट करता है। उसके जो हैवी सॉल्ट्स होते हैं वो आपके बालों को कोरोड कर देते हैं एंड अल्टीमेटली आपको स्प्रिटेंस की परेशानी होती है। इफ एट ऑल दिस इज द रीजन, तो आपको राइस वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आई हैव डन अ वीडियो अबाउट इट, यू शुड गो एंड चेक दैट आउट। लॉजिक समझ में आया, मजा आया? सो हियर्स अ रिमाइंडर, गिव अ बिग थम्स अप। तो ये थे कुछ कैजुअल से रीजंस जो हमारे आसपास हैं जिनकी वजह से हमें स्प्रिटेंस होते हैं एंड उनके क्या क्या क्योर आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ अबाउट रेमेडी ऑफ स्प्रिटेंस, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला रेमेडी जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी वो है हिना हेयर पैक। देखिए हिना का एप्लीकेशन, हिना का नाम सुनते कुछ लोगों को लगता है अरे बाप रे डिहाइड्रेशन, बालों का कलर रेड ऑरेंज ये वो सो। देखिए सबसे पहले तो हिना एक कंडीशनर है, ठीक है? अगर आप हिना का एप्लीकेशन 3 घंटे के लिए करते हैं तो आपको कलर मिलेगा। अगर आप 3 घंटे के लिए नहीं करते, सिर्फ आधे घंटे के लिए एज अ हेयर पैक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके बालों को कंडीशन भी करता है और आपके बालों में एक एक्स्ट्रा कोटिंग भी करता है। आप किसी भी पार्लर में चले जाइए, चलिए आप पार्लर जाइए और एक बार खुद पूछ लीजिए कि मैंने हिना का एप्लीकेशन किया हुआ है तो और मुझे कलर कराना है तो क्या प्रोसीजर है। वो आपको सबसे पहले बोलेंगे कि हिना को हटाने का प्रोसीजर करना पड़ेगा। हिना लगा के नहीं गए हो आप ऐसे गए उनके पास, और वो बोलेंगे नहीं, हिना जो लोग लगाते हैं उनके बालों में एक कवरिंग होती है, एक कोटिंग होती है जिसको हमें हटाना पड़ेगा कलर चढ़ाने के लिए, क्योंकि हिना ना तो कलर चढ़ने देगा और ना ही कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बालों में आने देगा। हिना को लेके जो गलत धारणाएं हैं ना, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो कि बहुत वाइडली हमारे आसपास हो रही हैं, बस हम ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए हिना इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल पैक जो आप अपने बालों के लिए लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 चम्मच हिना पाउडर लेना है, इसको अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से इसको एक घोल बनाना है। आप चाहें तो इसमें नींबू डाल सकते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ जो हरी पत्तियों का जो भी चीज़ होता है उसमें नींबू डालने से वो अच्छे से निखर के आता है। एंड उसके बाद अच्छे से मिक्स करके आप इसको आधे घंटे के लिए अपने बालों में लगा लीजिए। ये डिहाइड्रेटिंग होता है, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए इसके बाद आपको सरसों के तेल की बहुत अच्छी सी चंपी करके फिर हेड वॉश कर लेना चाहिए एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी डिहाइड्रेशन। रेमेडी नंबर 2, इसके लिए आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच हिना पाउडर। अगर आपको हिना इस्तेमाल नहीं करना है तो आप एब्सोल्युटली स्किप कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच फेनोग्रीक पाउडर यानी कि मेथी दाना पाउडर। मेथी दाना के बारे में मुझे आपको बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत सारी वीडियो में इसका गुणगान कर चुकी हूँ कि ये आपके बालों के लिए कितना कमाल का है। आप सभी लोगों ने ये शिकायत की थी कि फेनोग्रीक मास्क ठीक से नहीं धुला, बहुत चेपू है, चिपकू है, तो यही तो हमें यहाँ पर चाहिए। फेनोग्रीक क्वालिफाइज टू बी चिपकू ओवर हियर। ये आपके बालों में लिटरली चिपक जाता है और वो ब्यूटीफुल न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को देता है जिसकी वजह से वो रिपेयर होते हैं। तो फेनोग्रीक इज द की इंग्रेडिएंट एंड द मैजिकल इंग्रेडिएंट ओवर हियर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हिना से परेशानी है। अगर आप हिना का पाउडर स्किप कर रहे हैं तो आप 2 चम्मच फेनोग्रीक पाउडर के यहाँ ले सकते हैं। इसमें आपको लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल। जी हाँ, हम एलोवेरा जेल में मिक्स करके एक बहुत ही खूबसूरत सा स्मूथ पेस्ट बना रहे हैं और इसका एप्लीकेशन आप अपनी लेंथ पर करेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। ज्यादा वक्त है तो 1 घंटे के लिए आप रख सकते हैं एंड देन वॉश ऑफ योर हेयर। रेमेडी नंबर 3, इसके लिए आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच हनी यानी कि शहद और 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल।
ये दोनों ही चीजें मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एकदम एक जैसा यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप इसका एप्लीकेशन चाहे तो पूरी लेंथ पर और चाहे तो सिर्फ अपने एंड्स पर कर सकते हैं फॉर रिपेयरिंग पर्पस। जी हाँ, हनी तो है ही मैजिक लिक्विड, ये आपके बालों को इतना खूबसूरत शाइन प्रोवाइड करता है, रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, दैट यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड। ऑल्सो हनी एंड ऑलिव ऑयल इतना सेफ है दैट यू कैन यूज इट एवरी वीक। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं दिख रहा है तो आप इसको हर वीक इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप मेरी बाकी वीडियोस को देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपनी दादी, चाची, मामी, मम्मी, फ्रेंड्स, उनकी मम्मी, सबको स्पिटन्स की परेशानी है भाई, तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ देम एंड लेट देम नो दैट देयर इज समबडी कॉल्ड प्रीति प्रेरणा हु इज शेयरिंग ऑल द ब्यूटीफुल रेमेडीज फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग अमेजिंग एंड रिक्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जो अब सबने पॉजिटिव कमेंट्स नीचे लिखे हैं उन सभी को पढ़िए। लेट्स इंस्पायर ईच अदर एंड बी वेरी वेरी पॉजिटिव।